तो हेलो और सोयर सब गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था, हमने अपनी विलेज आर्मर और ये वेपन स्मिथर कुछ होता है उसे हमने फुल्ली मैक्स किया था। और मैक्स होने पर वो आर्मर हमें दे रहा था डायमंड चेस्ट एंड डायमंड बूट्स, और वो वेपन स्मिथर हमें दे रहा था डायमंड की एंचेंटेड स्वॉर्ड और डायमंड की एक्स। तो हमने उससे दोनों ले ली थी। और इसी शॉप के लिए मैं एक गोल्ड की पैंट और गोल्ड का हेलमेट भी लगा लिया था। लेकिन उसके बाद हम गए भाई नेदर में। नेदर में जाते ही हम एक कुछ भूत टाइप था उसे हमने मार दिया। वैसे ज़्यादा जान नहीं थी उसमें, इजीली मार दिया। लेकिन फिर पता नहीं किसी स्केलेटन ने मुझे एरो मारा और मैं सीधे धड़ाम चलाओ मेरा, उससे तो मैं बच गया भाई। लेकिन फिर वो जो भूत जैसा होता है ना, उसने मुझे बहुत गंदी तरह मारा भाई, ऊपर से आके छोले फेंक कर मारे और मैं मर गया। हमारे सारी चीज़ ले गई, पर कोई बात नहीं, हमारे पास विलेजर थे, सारी चीज़ें वापस आ चुके हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिया भाई, तो ये देखो भाई, ये है लीवर और ये सारे हैं लाइब्रेरियन। इसे मैं ऐसे नीचे करूँगा तो जोम्बी से मारेगा, और जब भी जोम्बी विलेजर बन जाते तो हमें इन्हें पोशन पिलाना होता है, पोशन ऑफ वीकनेस, और खिलाना होता है इन्हें गोल्डन एप्पल। तो ये अपने रेट कम कर देगी। देखो भाई, पहले नौ एमरल में मुझे एक बुक शेप दे रहा था, अभी एक एमरल में एक बुक शेप दे रहा है। इससे इनके रेट कम होते हैं और भर के ट्रेडिंग कर सकते हैं इनसे और ओपी आइटम ले सकते हैं। खैर, तो अभी मेरे पास पोशन ऑफ वीकनेस तो है नहीं। वैसे देखो मैंने इनसे कितनी सारी ट्रेडिंग की है, दो तीन पोशन ऑफ वीकनेस मुझे विलेज से मिल गए थे इसलिए मैंने उनका इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर। ओके, तो डन, आप चलते हैं सीधे यहाँ पर, मुझे देखना है यहाँ। ये है अपना डायमंड स्वॉर्ड, इसमें देखो भाई शार्पनेस 5 लगा हुआ है, अनब्रेकिंग लूटिंग 1, फायर रेजिस्टेंट नॉक बैक 2। आप लोग भी सोचेंगे एक स्वॉर्ड में इतना सब कहाँ से आ गया, तो एक शॉट नहीं भाई, मैंने 10 से 12 शॉट खरीदी और उन सब के एंजेटमेंट इसके अंदर डाल दी, तो शॉट हो गई अपनी नेक्स्ट लेवल पे पावरफुल। ओके, तो मेरे पास एक्सपी नहीं है इसलिए मैं इन सब में कुछ भी नहीं लगा सकता। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या करने वाले। आज हम बनाने वाले अपना एक अनलिमिटेड स्टोन फार्म को बनाने के लिए हमें 3-4 चीज़ें चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब काम मैं बाद में करूँगा भाई, पहले चलता हूँ सीधे अपने घर। तो ओके, तो आ चुके हैं हम अपने छोटे से वुडलैंड मेंशन पर। फटाफट से मुझे देखो आयरन फार्म बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए। हम एक छोटा सा फार्म बनाएंगे अभी, फिर बाद में उसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। अभी मुझे थोड़े बहुत आयरन चाहिए थे, आयरन तो लेने की ज़रूरत नहीं, 61 पड़े अपने पास ही। इस बुक में क्या है भाई? ओ भाई साहब, ओके, तो यहाँ पर अपने एक ये पड़ी है डायमंड की चेस्ट और डायमंड की एक्स, इनका कुछ काम नहीं है भाई। अभी मैं सब गोल्ड का आइटम उतारने वाला हूँ और अपनी पैंट और हेलमेट को मैं बना लूँगा आयरन का। ओ भाई साहब, ये मैंने क्यों बना ली चेस्ट, वो चेस्टों में डायमंड ये है। ओ भाई, आयरन का नुकसान हो गया, अपने आयरन का नुकसान हो गया। जाने तो पहन लेते हैं, काम ही आएंगी। ठीक है, देखते जाने तो पहन लेते हैं, वैसे भी काम ही आने वाली है।
ओके तो मैंने फिर लिया, अपने एक बार लुक देख लेता हूँ। लुक तो इतनी कुछ ठीक खास तो नहीं है जाए तो, ये अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला है। ठीक है थोड़ी सी ये ले लेता हूँ मैं, थोड़ी सी टॉर्च चाहिए बस, ताकि जहाँ भी अंधेरा हो मैं इसे यहाँ फ्लैश कर सकूँ। इसका कुछ काम नहीं है भाई, आयरन की चिट्स का यार, डायमंड है। अब यहाँ से मैं ओके, यहाँ से एक बकेट ले ले, जाने दो अपनी बना लेंगे भाई आयरन भर के अपने हाथ। पहले ले ले एक स्टैक कॉपर स्टोन। ओके चलो गाइस, मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने ले ली है। ओके अब कुछ नहीं रहा, चलो सीधे चलते हैं बाहर। ओके डन गाइस, मैंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें बना ली है। अब मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ सोने, क्योंकि भाई रात हो चुकी है, नाव कौन होती है। ओके मैं सोचता हूँ सोने जाने से पहले थोड़ा सा लावा ले लूँ, क्योंकि कॉपर स्टोन फार्म बनाने के लिए हमें लावा की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। कहाँ है बकेट? आगे मेरी खाली बकेट किसे ऊपर रखूँ? इसे रख दिया, ये ले लिया हमने अपने हाथ में लावा। अब फटाफट से चलते हैं सोने। ओके तो मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है। ओके डन गाइस, मैंने अपना स्टोन फार्म बनाने की जगह फाइनल कर ली है, मैं यहीं पर बनाऊंगा अपने विलेजर्स के पास बिल्कुल। ओके तो गाइस, मैं कुछ चीज़ें बनाना भूल गया था, तो मैं वो सारी चीज़ें बना कर ला चुका हूँ। मैंने कुछ हॉपर्स बनाए, कुछ साइन बोर्ड बनाए और एक चेस्ट। चेस्ट तो वैसे मैं अपने घर के अंदर की एक तोड़ कर लाया हूँ। ओके तो अब हमें इसे लगाना कुछ इस तरह से। ये सभी हॉपर्स एक जगह एक साथ कनेक्ट होने चाहिए, ऐसे लगाना है हमें। अगर ऐसा आपका हो तो आप ऐसे बैठ कर लगा सकते हो, या फिर कोई और तरीके से आपको करना होगा। ओके डन, ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके तो मैं कॉर्नर में कॉबलस्टोन सॉरी स्टोन ब्रिक्स यूज़ करने वाला हूँ। देखो गाइस, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे सेम टू सेम आपको भी करना है, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। देखो ये हो गया सारा हॉपर्स के प्लेसमेंट, आपको एक एक ब्लॉक और ऊपर जाना है। आपको इस तरह से दूसरी लेन भी खींच देनी है पूरी तरह से, बढ़िया तरीके से बिल्कुल, ज़रा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए गाइस। इसके अंदर मैं डाला है लेकिन आया नहीं, शायद ये ऑफर कुछ गलत लग चुका है एक मेरे से। ओके तो मैं इतना कंप्लीट करने के बाद, ओके तो गाइस मैं स्टेज लाना भूल गया था, इसलिए मैंने यहीं पर बना लिया अभी के अभी मैं फटाफट। तेज काम है अपना, स्लो नहीं है। ठीक है ये लग गए स्टेयर्स, अब हमें यहाँ डालना है वाटर। ओके अब मुझे सब पूरे इसमें करना होगा। ओके तो डन गाइस, अपना इतना काम कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है। ये मैं किसे तोड़ रहा हूँ यार, अपने पास इतने बड़े आयरन पिकेक्स है। खैर ये तो मैं यहीं से लगा दूंगा, एक रखा यहाँ एक रखा यहाँ, बन गई सीढ़ी। अब यहाँ डालना है मुझे सेंटर में, सेंटर वाले ब्लॉक पर।
यही है ना सेंटर वाला, यही है। लाओ वो तो भाई नीचे का जितना भी वाटर था सब स्टोन बन चुका है। अरे उसे तोड़ना नहीं है मुझे, इसे हल्का सा ऊपर से कर देना है कवर। ओके हो गया कवर, अब इसे तोड़ देना है। ये वाला ब्लॉक अब मुझे तोड़ देना है। ओके तो देखो गाइस ये बन चुका है स्टोन। अब यहाँ पर हमें एक साइन बोर्ड लगाना है जिससे लावा नीचे ना आए। यहाँ पर साइन बोर्ड लगाता हूँ, यहाँ लिखो क्या, चलो लिख देते, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। यहाँ मैं सोच रहा हूँ लिख दूँ स्टोन कैसा रहेगा भाई, स्टोन ठीक है, स्टोन लिख दिया मैंने। अब हमें यहाँ का बस तोड़ना है। देखो भाई ऐसे हमें यहाँ का तोड़ देना है, हमें अनलिमिटेड मिलता रहेगा। ओके तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।